ये मेरा दीदी का दान चल रहा है। दीदी देखते हैं बाहर आता है कि अंदर। दीदी खेले जीतेगी 2 रुपया, आपको मिलता है 2 रुपया। गुड मॉर्निंग जोहार, नमस्ते, कैसे हो आप सब? होप सब सभी बढ़िया होंगे। तो दीपावली के शुभ अवसर पे आप सबको मेरे पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, फिर भी पापा हमारा हम सबका काम थोड़ा सा बढ़ा देते। चलिए दिखाते हो क्या किए हैं आज। बाबू यहाँ का सारा दीवार को धो दिया है, अब देखते हैं दीदी क्या कर रही है अंदर। इस दरवाजे के पीछे कौन है? ये है मेरी दीदी, जिसको 300 रुपए दे के हम लोग काम करवा रहे। फोकट का कोई काम नहीं करता मेरे घर में। लेकिन पैसा देती है मैं। हाँ देंगे देंगे, आ रहे हैं ना, ताश खेलने के लिए देंगे तुमको पैसा। करो करो। ये रहा हमारे घर के बगल में पीपल पेड़, और हम लोग सोच रहे इसको चबूतरा बना देंगे, जिसके लिए पापा फुलाए हैं मट्टी और बढ़ा दिए हम लोग का काम। 2 दिन पहले होता तो सही था। और ये आदमी को हम लोग 300 रुपए दे के लेके आए काम करवाने के लिए। 300 रुपए दिए इनको काम करने के लिए, जल्दी फटाफट यहाँ। ये रहा मेरा घर उजड़ा चमन, एकदम बेकार हो गया है। मेरे पास और भी कुछ फ्रेम था लगाने के लिए, तो पापा को बोले ही थे कि लगा देने के लिए, पर पापा मेरे बात को थोड़ा ध्यान ही नहीं दिए, इग्नोर करती है मेरे बात को। तो अभी देखते हैं पापा को थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मेरा बचपन का जो फ्रेम बनवाए थे हम उसको डालेंगे। सोच रहे यहाँ डाल दे या फिर उधर डाल दे। यहाँ नहीं बोल रहे हैं, अंदर नहीं, हम सोच रहे यहाँ डाल देते या फिर अंदर रूम के उस गेट के पास डाल देते। नहीं यही फ्रेम नहीं, ये हमने खुद से लगाया पर इसका अच्छा से ये सेफ नहीं बना पाए क्योंकि फट जा रहा था बार बार, तो जैसे तैसे हो गया ये कंप्लीट। आप देख सकते हैं अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। दीदी अभी भी आंगन धो रही है और हमको भी अभी रूम थोड़ा सा साफ करना है। इतना हम लोग थे बिजी कि अभी तक से हम लोग का आधा ज़्यादा काम हो गया, लेकिन बहुत काम बचा हुआ है, लेकिन अब ज़्यादा काम नहीं है। अब हमको बस पोछा लगाना है, फिर दीदी इधर कर ली, इसके बाद हम नहाएंगे धोएंगे। और ये रहा हम लोग का जो हमारे पापा मिल के किए हैं। कुछ समझ नहीं आता कि कौन सा हेयर स्टाइल बनाए, पर हम मेरी छोटी दीदी का एक प्यारा सा फ्रॉक पहना है जो आपको दिखा देंगे बाद में। अभी दिखने रहा कोई है नहीं, अगल बगल की किसी को बोले कि ये पूरा सूट कर दो तो दिखा देंगे आपको। तो बस यूं ही मेकअप कर रही है क्योंकि एकदम चेहरा मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है, तो हम सोचे थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं तो चेहरा थोड़ा खिल जाएगा। तो वही है, मेकअप कर लिए तो हम दिया जा रहे जलाने के लिए। चलिए मेरे साथ, हमको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा है, जल्दी पूजा होगा और हम खाना खा लेंगे। तो मेरा दीदी पूजा करने के लिए बैठ गई है, हम साइड में बैठेंगे, दीदी कर लेगी उसके बाद हम भी पीछे पीछे कर लेंगे। ये मेरी चाची है और ये यहाँ पे दिया लगा रही है। हाय बोलो चाची। ये हमारा 2 मेन गेट है, तो ये फर्स्ट मेन गेट है और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह दिख रहा, पर लाइट में दिखेगा नहीं, पर अंधेरा पे अच्छा दिख रहा था। ये पता नहीं मेरी दीदी को क्या जोश चढ़ गया, वो जय श्री राम लिखना चाह रही है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखे जय श्री राम और यहाँ इसका चल रहा है थोड़ा फोटो शूट, अच्छा लग रहा है ये।
लाइट से एकदम अच्छे नहीं दिखते उतना, ये दिया वाला लाइट से हमको ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। तो आप लोग कैसे दिवाली बनाए, हम लोग का भी बन ही रहा है। प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग दिवाली कैसे बनाए, ठीक है। हम लोग का पूजा वूजा हो गया है तो हम खाएंगे खाना। हैप्पी दिवाली। आज बड़ी दिवाली छोटी दिवाली को पता नहीं है, पर आज भी दिवाली है। तो कल अचानक मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था और उसके आगे हम वीडियो बना नहीं पाए, इसलिए सोचे कि आज कंटिन्यू वीडियो कर देते हैं कंप्लीट। तो फास्टिंग में भी थे और पापा बहुत ज़्यादा काम करा दिए थे हमको, इसलिए हम पूरा माथा दर्द होने लगा। थोड़ा बहुत फटाका चाची लोग आई थी उनके साथ जलाए, उसके बाद जाके हम सो गए। हम जा रहे मेरा ब्लॉग तो कम्प्लीट हुआ ही नहीं, इसलिए हम आज रेडी हुए हैं। देखिए कमेंट करके बताइए हम कैसा दिखता, आपको दिखाते हैं मेरा ड्रेस। ये मेरा ड्रेस है जो ये रितु दीदी का है, बट मेरे तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। कल हमने आधा फटाका फोड़ा था और मैं तबीयत खराब होने के बाद हम कुछ फोड़े ही नहीं, कुछ था जिसको फोड़ दी, तो आज हम फोड़ेंगे बूम बाम। तो मेरे ब्लॉग में प्लीज बने रहिए। एक गाना भी पूरा फेमस हो गया, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीदी हमको बहुत ज्यादा जिद कर रही, बना दो बना दो बना दो, हमको बिल्कुल भी मन नहीं। बताना क्या, हम क्या बताएंगे, तुम में से बड़ी है, तुमको पता होना चाहिए ना। मतलब इसको थाली से निकाल के वहाँ रखेंगे है ना, कहाँ रखेंगे, फूल में। ठीक है, रील्स के हम लोग दीवाने हैं, पागल। बहुत दिन बाद हम तो कितना दिन से डाल भी रहे हैं, तो वो ड्राफ्ट वाला रखा हुआ वो डाल, अभी मेरे पास टाइम नहीं है रील्स को डालने के लिए, बिकॉज आई एम ऑल द बिजी। हम लोग अभी यहाँ पे फटाका फोड़ने आ गए, ये सबको फोड़ेंगे, उसके बाद ब्लैंकेट क्या बोलते हैं ब्लैंकेट बॉम्ब निकालेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हम टीम जमा कर ली अपना गैंग छोटा छोटा। हेलो हेलो बोला है यार। तो हम जमा कर लिए हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, बोलते क्या है, अनार अनार फुलझड़ी अभी फोड़े मतलब करेंगे। तो वीडियो बनाने के लिए मेरा गौतम आ गया है हम लोग का, आजा भाई। कितना हैवी लगा ना, छीटा पड़ा ना, बालू का आया ना, आलू भूमि लोग गाइस कली में इसका बाल देखी थी, इसने लगाया क्या और अचानक इतना लंबा बाल हो गया। अपने बालों का राज बताओ, अपने बालों का राज बताओ। अरे ये हम बोले नकली बाल लगाए हैं, नकली बाल, नकली बाल नहीं है, ठीक है समझ लेना। देख सकते हैं ब्लैंकेट अभी फूट रहा है और हम लोग इसमें टोपी पहना दे रहे हैं। देखिए देखिएगा और देखिए Thank you.
अपना साइड और बाहर नीचे चलिए ना नीचे ये मेरा दीदी का गान चल रहा है देखते बाहर आता है कि अंदर आता है ये है अंदर ये है बाहर अभी दीदी खेले जीतेगी 2 रुपया आपको मिलता है 2 रुपया आप जीत गए ये पैसा रख लीजिए पैसा आपका है एक बार भी पत्ती छूने को नहीं मिला लेकिन 10 से 2 रुपया में आ गए एक बार भी तो पत्ती पे छूने दो एक बार भी हम नहीं हारे आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाओ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।